गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में जो स्पैट चल रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं जल्दी से क्या चल रहा है। ट्विटर जैसा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जो ऑनलाइन मैसेंजर्स हैं, तो आईटी रूल के तहत उनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, इंडियन आईटी एक्ट। अब आईटी एक्ट में एक रूल है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ठीक है, इसके तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आईटी रूल में नया अमेंडमेंट आया है जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप एक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म आप तैयार कीजिए और अपॉइंट कीजिए ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर्स को अलग अलग लेवल पे, तो उसको लेके इशू चल रहा है। और इसलिए गवर्नमेंट ने ये आईटी एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट किया था और उसके तहत जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, तो ट्विटर से वो प्रोटेक्शन हटाने की बात हो रही है या हटा दिया गया है, ठीक है। उस प्रोटेक्शन को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कहते हैं। ये क्या है, ये ठीक इस तरह से है, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ट्विटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले चिट्ठी आती थी, तो चिट्ठी किसी ने भेजा, किसी के पास आया, बीच में डाकिया होता था, ठीक है। या आज हम कुरियर करते हैं, तो कोई कुरियर डाल रहा है, किसी को कुरियर रिसीव करना है, बीच में कुरियर कंपनी है। अब कौन क्या भेज रहा है और यहाँ क्या रिसीव किया जा रहा है, इससे कुरियर कंपनी को मतलब नहीं है, अनलेस अनटिल कि वो कोई इलीगल चीज़ हो, ड्रग्स ना हो, हथियार ना हो। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, डिस्प्यूट पेपर है, पैसे हैं, कुछ किसी ने कुछ डाल के भेज दिया। इसी तरह से पहले डाकिया का होता था, चिट्ठी आया है, एड्रेस पे पहुंचाना है, मुझे मतलब नहीं चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर चिट्ठी में कुछ ऐसा हो जिसके वजह से चिट्ठी जिसको मिली है वो परेशान हो गया और वो चाहता है कि अब इस पे केस किया जाए, मुझे परेशान किया गया, तो वो किस पे केस करेगा, जिसने उसको चिट्ठी दी उस पे केस करेगा या जिसने चिट्ठी भेजी थी उस पे केस करेगा? तो जिसने चिट्ठी भेजी थी उस पे केस करेगा, क्योंकि चिट्ठी देने वाला यानी डाकिया का इसमें क्या रोल था, डाकिया का इसमें रोल सिर्फ इतना था कि चिट्ठी उसने पहुंचा दी और उसके बदले उसे सैलरी मिलती है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ इसी तरह से काम करता है, आप मैसेज लिखिए उसमें, आप टाइप करो, आप पोस्ट करो, आप वीडियो डालो, आपको जो करना है उसमें करो और जिसको पढ़ना है वो पढ़े, प्लेटफॉर्म को मतलब नहीं है। तो अगर कोई ऐसा मैसेज डाल दिया जाता है जिसमें मान लीजिए कि वायलेंट एक्टिविटीज दिखाया जा रहा है, जिससे सोशल डिसहार्मनी फैलाया जाए या किसी को अब्यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें फेसबुक का ट्विटर का कोई लाइबिलिटी नहीं बनता है। यही बताया गया है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के तहत कि यू आर हैविंग सेफ हार्बर इम्यूनिटी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। अब क्या है कि अगर ट्विटर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करेगी और ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर्स लोकल लेवल पे, नोडल लेवल पे और नेशनल लेवल पे नहीं अपॉइंट करेगी, तो ये प्रोटेक्शन हटा लिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोटेक्शन हटाने का क्या मतलब होगा, ये प्रोटेक्शन हटाने का मतलब यही होगा कि अब जब परेशान होने वाला केस करना चाहे तो डाकिया को भी लपेट सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डाकिये ने चिट्ठी में कुछ डाल दिया हो, डाकिये ने चिट्ठी से कुछ पैसे निकाल लिए हो, डाकिये ने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया हो, ठीक है। तो अगर ये मैनिपुलेशन है तो हम किसको कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन करने के लिए कोई ऑफिसर नहीं है। अगर कोई ऑफिसर है, कंप्लेन करने वाला कोई अथॉरिटी बना हुआ, जहाँ जाके कंप्लेन करें कि मुझे ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, आप देख के बताइए क्या आपके तरफ से कुछ है, ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा? मैं कोर्ट जाऊंगा और डाकिया को भी लपेटूंगा साथ में। तो वही चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट जाएंगे लोग और ट्विटर को भी साथ में लपेटेंगे, ठीक है। ट्विटर को कब तक इम्यूनिटी थी? जब तक कि वो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा था, मैसेज के ट्रांसमिशन में कौन उसको रिसीव करेगा, कौन नहीं रिसीव करेगा, ये सब कोई सिलेक्शन नहीं कि एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके कुछ पर्टिकुलर मैसेज को कुछ पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचा दें और बाकी तक कम पहुंचे, ये सब नहीं। अगर ये सब आप बीच में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं तब तो आपको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर ये मैनिपुलेशन हो रहा है तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्या जरूरी है कि आपने नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट नहीं किया है तो आप ये कर ही रहे हो? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन ग्रीवांस अगर लोगों के पास है तो उसका तो रिड्रेसल होना चाहिए।
तो इसलिए आपको अपॉइंट करना जरूरी है। उसके बाद एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि ट्विटर हमेशा मतलब सेफ हार्बर इम्यूनिटी जो है एकदम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, तो नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नहीं खत्म नहीं हो जाएगी। अब वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको वेरियस जजमेंट और वेरियस रूल्स रेगुलेशंस लॉज और अलग अलग जजमेंट के हिसाब से उसको देखा जाएगा। एक इंपैक्ट जो इस पे होगा ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इन द लॉन्ग रन दिस ऑल्सो मीन्स दैट ट्विटर माइट बी सब्जेक्टेड टू 26% कैप ऑन डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट इन मीडिया एंड publishing, which in turn means that the platform may be forced to look for an Indian buyer for the remaining 74% stake. अगर आप यहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो FDI में जो आपको सहूलियत मिली हुई है वो आपसे ले ली जाएगी। अब आप फॉरेन एंटिटी हैं तो आप सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो आपका 74% स्टेक है वो इंडियन इन्वेस्टर्स को बेचना होगा। तो ये था ट्विटर से रिलेटेड न्यूज़, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। IT एक्ट सेक्शन 79 भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार न्यूज़ में आ रहा है। सेक्शन 79 के तहत ही सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलता है, उसका मतलब क्या था हम लोगों ने बात कर लिया। और क्या ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, तो नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। थैंक यू गाइज़।